नमस्ते दोस्तों, वॉच वाला दादा आपका स्वागत करता है। आप अगर वॉचेस में इंटरेस्ट रखते हो तो आपने रिचर्ड मिल ये नाम जरूर सुना होगा। रिचर्ड मिल ये एक स्विस वॉच मेकिंग ब्रांड है जिसकी शुरुआत लगभग 20 साल पहले हुई थी और इसके वॉचेस की प्राइसेस स्टार्ट होती है एवरेज 50 लाख से 5-10 करोड़ रुपए। रिचर्ड मिल के ज़्यादातर वॉचेस यूनिक रेक्टेंगुलर केस शेप में आते हैं और इनके वॉचेस स्पोर्ट्समैन जैसे कि राफेल नादाल, बुबा वॉटसन हो गए या ओलांसो ऐसे लोग पहनते हैं, और रैपर जैसे कि ड्रेक, फारेल या हॉलीवुड स्टार्स हो गए जॉन मार्कोविक ऐसे लोग इसको पहनते हैं। घबराइए मत, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं रिचर्ड मिल वॉचेस को अफोर्ड कर पाऊँ। मेरे वॉच कलेक्शन में एक रेक्टेंगुलर शेप का वॉच मिसिंग था और मैं बहुत दिनों से एक फन वॉच की तलाश में था। मैं सोच रहा था क्यों ना मैं रिचर्ड मिल का कुछ होमाज वॉच खरीद लूँ, और बहुत तलाश के बाद मुझे कुछ मिल नहीं रहा था जो रिचर्ड मिल टाइप दिखे। 2-3 महीने पहले की बात है, एक चाइनीज कंपनी ने मुझे अप्रोच किया और अपना कैटलॉग दिखाया जिसमें रिचर्ड मिल टाइप के वॉचेस थे। उन्होंने मुझे उसको कस्टमाइज करके देने का ऑफर दिया। पहले तो मैं उसके अगेंस्ट था, लेकिन सोचा कि क्यों ना मैं इस चैनल के लिए एक फन पीस ऑर्डर करूँ जिसको मैं सबको दिखा पाऊँ और जिसके द्वारा मैं बोल सकूँ लोगों को कि क्या चल रहा है आजकल मार्केट में, कैसे मतलब फेक बनते हैं। तो इसके लिए मैंने इसको ऑर्डर किया और मैं आज आपको वो वॉच दिखाने जा रहा हूँ। तो इस चाइनीज़ कंपनी ने मुझे इस वॉच को बहुत ही कम पैसे में ऑफ़र किया था। वॉच को कस्टमाइज लोगो कस्टमाइज करके देने का भी प्रॉमिस किया था, तो मुझे ये कुछ ऐसे टू गुड टू बी ट्रू टाइप स्कैम लगा था। मुझे लगा कि ये वेस्ट ऑफ मनी है, तो पहले मैंने सोचा कि नहीं लेने का, लेकिन बाद में सोचा कि चलो पैसा देख के देखते क्या होता है। 1-2 दिन में उन्होंने डिज़ाइंस भी शेयर किए और 2 महीना लगा वॉच आने में। जब वॉच आया तो मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं था, लेकिन पार्सल जब खोल के मैंने देखा तो मैं एकदम हैरान हो गया इस वॉच का जो क्वालिटी है उसको देख के। जैसे कि आप खुद देख सकते हो, ये मुझे बहुत ही कम पैसे में मिला है और इसका जो लुक एंड फील है एकदम ऐसा लगता है कि बहुत ही महंगा वॉच है। इसका जो केस का जो फिनिश है बहुत ही जो टॉप नॉच है एकदम, मतलब उन्होंने बोला था कि ये कार्बन फाइबर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कार्बन फाइबर है, स्टील केस हो सकता है क्योंकि ज़रा सा हैवी है और सफ़ायर सैंडविच ग्लास के साथ आता है। इसका जो स्ट्रैप है उसका फिनिश भी बहुत ही सही है, तो दिखने में तो एकदम ये रिचर्ड मिल का जो RM5301 टर्बियन मॉडल है उसके जैसा लगता है, लेकिन रियल मॉडल टर्बियन है और ये एक ऑटोमेटिक वॉच है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इसका जो रबर स्ट्रैप है उसका डिज़ाइन, क्लास का जो डिज़ाइन है, फिनिश है इसका, केस का जो फिनिश है इसको, मतलब आप हाथ पे पहन के जाओगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये रियल है या फेक है। दिखने में एकदम बिल्कुल रिचर्ड मिल 5301 के जैसे दिखता है, लेकिन आप अगर इसको क्लोजली इंस्पेक्ट करके देखोगे तो आपको 1 सेकेंड में पता चल जाएगा कि ये एक फेक वॉच है, क्योंकि RM5301 एक टर्बियन वॉच है और ये एक ऑटोमेटिक है। तो इसमें आगे और पीछे सफायर ग्लास डाला गया है और एक स्केलेटल लुक दिया गया है वॉच को, लेकिन जो आप जो गियर देख रहे हैं ये सब फेक है। इसके बीच में उन्होंने एक छोटा सा ऑटोमेटिक मूवमेंट को डाला है, तो दिखने में ऐसा लगता है कि ये एक्चुअल गियर्स है, फंक्शनिंग गियर्स है, लेकिन ये सब फेक है, ये जस्ट प्लेट्स है, डेकोरेटिव प्लेट्स है। इसके बीच में उन्होंने ऑटोमेटिक मूवमेंट को डाला है।
तो ये फेक गेयर्स वाला डेकोरेटिव प्लेट है, उसको एकदम जो रियल RM5301 है उसके जैसे डिज़ाइन किया है। तो ये आप हाथ में पहन के जाओगे तो दूर से इवन एक्सपर्ट्स इसको पहचान नहीं पाएंगे कि ये फेक है या रियल। इस वॉच का वाटर रेजिस्टेंस है अराउंड 50 मीटर्स, और इस वॉच का मोमेंट है, उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी खासी है। तो मेरे हिसाब से फेक मार्केट में इस वॉच को रिचर्ड मिल के लोगों के साथ पक्का बेचते होंगे, पर मैं ऐसे फेक प्रोडक्ट्स से इनको कभी सपोर्ट नहीं करता हूँ, और आपको भी मैं सलाह देता हूँ कि आप ऐसे चीज़ों को मत खरीदें। तो ये था रिचर्ड मिल RM5301 का होमाज या चाइनीज रेप्लिका फेक, जो भी बोल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको ऐसे ही एक से एक बढ़िया वॉचेस के वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।